नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं करंट अफेयर्स के इस नए सेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज के कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। दोस्तों, आज का जो पहला करंट अफेयर्स है वो है, व्हाट्सएप ने फर्जी खबरों से निपटने के लिए एक नई सुविधा चेक पॉइंट टिप लाइन लॉन्च की। दोस्तों, आजकल बहुत सारे फर्जी खबर फैलाए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं, उसी से निपटने के लिए व्हाट्सएप ने एक नई पहल शुरू की है और जिसका नाम है चेक पॉइंट टिप लाइन। दोस्तों, अगला पॉइंट है, विक्रम पटेल ने प्रतिष्ठित जॉन डर्क्स कनाडा गैडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड जीता। एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं विक्रम पटेल, उन्होंने प्रतिष्ठित जॉन डर्क्स कनाडा गैडनर ग्लोबल का अवार्ड जीता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, विजय चंडोक को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। तो नाम याद रखिएगा, विजय चंडोक को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। दोस्तों, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज आईसीआईसीआई बैंक का ही एक पार्ट है और इसमें बीमा संबंधी कार्य होते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ओसिंडेक्स का तीसरा संस्करण विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के नौसेना के बीच कौन सा द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास हुआ, तो उसका नाम है ओसिंडेक्स। तो ये याद रखिएगा। दोस्तों, अगला पॉइंट है, विपिन आनंद ने एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। तो विपिन आनंद, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्होंने क्या किया, एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को है। तो ये डेट याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को। खदान मतलब जो माइंस होते हैं, जो खान होते हैं बहुत सारे मिनरल्स के, उनके प्रति जागरूकता फैलाने का दिवस है 4 अप्रैल। दोस्तों, अगला पॉइंट है, बीएसएनएल ने उड़ानों में वाईफाई के लिए लाइसेंस प्राप्त की। तो बीएसएनएल जो भारत की पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, दूरसंचार कंपनी, इसने क्या प्राप्त किया, वाईफाई सर्विस के लिए जो उड़ानों में, यानी कि जो फ्लाइट्स में वाईफाई सर्विस देने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया। दोस्तों, अगला पॉइंट है, भारत ने मलावी में कृषि ग्रामीण विकास संस्थान स्थापित करने के लिए समझौता किया। तो भारत ने मलावी देश के साथ कृषि ग्रामीण विकास संस्थान स्थापना करने के लिए समझौता किया। तो दोस्तों, मलावी के बारे में कुछ चीज जान लेते हैं कि मलावी की राजधानी कहाँ है। तो मलावी की राजधानी है लिंगलोंगवे। मलावी की राजधानी लिंगलोंगवे है और यहाँ की मुद्रा क्या है, मुद्रा है मलावियन कवाचा, मलावियन कवाचा। तो ये सारे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, हर दिन हम करंट अफेयर्स लेके लाते हैं, तो हमारे चैनल द की पॉइंट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।